ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ कुछ सालों पहले, जब मैं तकरीबन 20 साल का था। मैं और मेरे कुछ दोस्त घूमने के लिए निकले थे। हम काफ़ी दिनों से प्लान कर रहे थे बाहर घूमने जाने के लिए, लेकिन कभी हमारे पेरेंट्स नहीं मानते थे और कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती थी। लेकिन आखिरकार हम एक साथ घूमने के लिए निकले थे, लेकिन उस सफ़र में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था हमें। वो हमारी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल सफ़र था। हम निकल तो गए थे सफ़र के लिए, हमने घूमने की जगहों को भी पसंद कर लिया था। हमने एक पूरा रूट बना रखा था कि हम यहाँ से होते हुए यहाँ तक जाएंगे और यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक जाएंगे। लेकिन न जाने किस्मत में क्या लिखा हुआ था, हम अपने रास्ते से ही भटक गए। हम इधर उधर गाड़ी में चले जा रहे थे, हमें रास्ता ही समझ नहीं आ रहा था। हमने मैप को देखा और फिर हमारी लोकेशन देखी तो हमें पता चला कि हम कहीं और ही आ गए थे। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। वो न जाने कैसी जगह थी जहाँ इंसानों का दूर दूर तक नाम नहीं था, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था हर जगह। ऐसे घूमते घूमते रात हो गई। हम इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन कोई भी इंसान नहीं मिला जिसे हम रास्ता पूछ पाए। हमारी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमें पता था कि रास्ता तो मिल ही जाएगा। लेकिन घूमते घूमते शाम हो गई और शाम से रात, रात के तकरीबन 7 बजे हम जब आगे बढ़ रहे थे मंजिल की ओर, तब हमें एक रोशनी नज़र आई जिसे देखकर हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। हमें लगा कि चलो अब तो पक्का रास्ता मिल जाएगा। हम उस रोशनी की तरफ बढ़ते रहे और फिर जब हम उस रोशनी के बेहद करीब आ गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक गांव था, जिस गांव को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी प्राचीन काल में आ गए हों। वहाँ ढेर सारे कच्चे घर थे। वहाँ का रास्ता काफ़ी पतला था जिसकी वजह से हमारी कार अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए हमने फैसला किया कि हम कार से उतरकर हम किसी से मदद मांगेंगे। इसलिए हम तीनों कार से उतर गए। मेरे दोनों दोस्त, एक का नाम अनुज और एक का नाम आकाश था, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे। और उनकी तो क्या ही बात करूँ, मैं खुद ही हद से ज़्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि वो गांव देखने से ही ऐसा लग रहा था जैसे वो बाहर से ही हमें चेतावनी दे रहा हो कि हमारे यहाँ आना मना है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज़ थी जो हमें सुनाई तो नहीं दे रही थी लेकिन महसूस हो रही थी, और वो आवाज़ हमसे कह रही थी कि यहाँ मत आओ। लेकिन हम भी लाचार थे, उस गांव में चले गए और गांव के जो घर थे उनके दरवाज़े खटखटाने लगे, कोई बाहर नहीं निकला। हम काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए कि आखिर कोई बाहर क्यों नहीं आ रहा। हमें ये तो पता था कि रात का वक्त हो गया है, सब सो रहे होंगे, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने पे तो इंसान जाग ही जाता है। काफ़ी देर तक हम घरों के दरवाजे ही खटखटाते रहे, तभी अचानक से अनुज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और उसने मुझसे कहा, भाई जरा उधर देख। और फिर मैंने उस तरफ देखा तो एक घर का दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुला और मेरी नज़र उसी दरवाजे पे थी। और फिर उस घर के अंदर से एक बच्चा निकला। जैसे ही वो बच्चा बाहर आया और उसने हमें देखा, तब उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। वो ऐसे डर रहा था जैसे हम कोई भूत प्रेत हों। उसने हमें डरते हुए देखा और तभी अचानक से वो मुस्कुराता हुआ घर के अंदर भाग गया। ऐसा अजीब व्यवहार मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था किसी बच्चे का, और
मेरे दोनों दोस्त आकाश और अनुज दोनों ने ही मुझसे कहा, भाई मुझे तो लगता है कि हम गलत जगह आ गए हैं। जब मैं इस गांव में घुसा नहीं था ना, तो बाहर से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि इस गांव में जाना नहीं चाहिए, और इस बच्चे का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से निकल जाना ही ठीक है, चल चलते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे दिमाग में वही बात आई कि अगर हम चले जाएंगे तो फिर वापस भटकते रहेंगे, गाड़ी में तेल भी कितना बचा होगा, दिन भर से तो भटक ही रहे हैं, और अब तेल अगर ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ पैदल मारे मारे फिरेंगे। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से कहा, अरे ज़रा शांति रखो, मैं किसी से तो बात करता हूँ, ये तो बच्चा था, इसकी बातों को क्या सीरियसली लेना, कोई बड़ा आएगा तो उससे पूछताछ करते हैं। और तभी जो दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस घर में से वो बच्चा निकला था, उसी घर में से एक आदमी निकला, और फिर मैं उस आदमी के पास गया, और उस आदमी के पास जाकर मैंने बोला, भैया हम ज़रा रास्ता भटके हैं, क्या आप हमें रास्ता बता देंगे? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, कहाँ का रास्ता बताना है? और फिर मैंने उस आदमी से कहा, भैया हमें यहाँ से नीलमगंज जाना था, लेकिन बदकिस्मती से हम रास्ते में ही भटक गए, तो हम चाहते हैं कि आप हमें नीलमगंज का रास्ता बता दें। फिर उस आदमी ने मुझसे कहा, नीलमगंज ये कहाँ पर है? यहाँ तो दूर दूर तक नीलमगंज जैसी नाम की भी कोई जगह नहीं, तो नीलमगंज नाम की जगह कैसे आ जाएगी हाँ? और जब मैंने उस आदमी की ये आवाज़ और ऐसी बात करने के ढंग को देखा, तब मैं समझ गया कि इस आदमी से ज़्यादा बातचीत करना ठीक नहीं रहेगा। मैंने उस आदमी से कहा, लगता है कि आपको पता नहीं है उस जगह के बारे में, कोई बात नहीं, आपका समय बर्बाद करने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप जा सकते हैं। तभी वहाँ एक और घर का दरवाज़ा खुला, और उसमें से भी एक आदमी निकला, और उस आदमी ने मुझे देखते हुए कहा, कौन हो? और फिर मैं उस आदमी के पास गया, और मैंने उस आदमी से कहा, हमें नीलमगंज जाना है, लेकिन बदकिस्मती से हम रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? और फिर उस आदमी ने कहा, नीलमगंज यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है। एक गांव में एक अजीब आदमी हो सकता था, लेकिन ये दूसरा आदमी भी इतना अजीब निकला। तभी एक तीसरे घर का दरवाज़ा खुला, और उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली, और उस बूढ़ी औरत ने हमें देखते हुए कहा, कौन हो, क्या चाहिए, क्या लेने आए हो? और फिर मैंने उन बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा हम रास्ता भटक गए हैं, नीलमगंज का रास्ता पता करना है, क्या आपको पता है? और फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा, वहां सामने चले जाओ, वहां एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठे होंगे, वहां जाओ, वो तुम्हें रास्ता बता देंगे। तभी आकाश और अनुज मेरे पास आए, और उन्होंने मेरे कानों में बोला, अबे ये तो पूरा गांव ही पागल लगता है, चल यहाँ से चलते हैं। और फिर मैंने अपने दोस्तों को समझाया, अरे ये किसी बाबा के बारे में बता रही है ना, उनसे रास्ता पता लग जाएगा, गाड़ी में इतना तेल नहीं है, अगर गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया तो फंस के रह जाएंगे, समझा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इस गाँव के इतने अंदर तक आ गए हैं, थोड़े अंदर और चले जाते हैं, उस पेड़ के नीचे जो बाबा बैठते हैं वो समझदार होंगे, उनसे पूछ लेते हैं। मैं और मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहे, और जैसे जैसे हम कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे ही उस घर के दरवाज़े खुलते जा रहे थे, गांव में जितने भी दरवाजे थे सब खुले जा रहे थे, और हर घर में से कोई ना कोई बाहर निकल रहा था, और एक बात जो थी वो काफ़ी सामान्य थी, हर किसी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी,
और उस मुस्कुराहट को देखकर मुझे और मेरे दोस्तों को डर लग रहा था। हमारे पसीने छूट रहे थे कि ये लोग आखिर हैं क्या। इतने अजीब लोग तो हमने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे। गांव के लोगों को तो हम भी जानते थे, उनके रहन सहन के बारे में हम भी जानते थे, लेकिन ऐसा गांव हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन जैसे तैसे हम आगे बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि एक बहुत बड़ा विशालकाय पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक बाबा बैठे हुए थे। और उन बाबा के पास जब मैं गया, तब मैंने देखा कि उन बाबा ने आँख बंद कर रखी थी। और तभी मेरे दोस्त आकाश ने मुझसे कहा, अभी ये तो आँखें बंद करके बैठे सो रहे हैं क्या। और फिर मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे चुप कर, ध्यान कर रहे होंगे, अभी पूछता हूँ जाके। और फिर मैं उन बाबा के पास गया और मैंने उनसे कहा, प्रणाम गुरुजी, हम रास्ता भटक गए हैं, हमें नीलमगंज जाना है, क्या हम आपका 2 मिनट का वक्त ले सकते हैं, क्या आप हमें नीलमगंज का रास्ता बता सकते हैं। बदले में कोई जवाब नहीं आया और वो बाबा चुपचाप आंखें बंद करके वैसे ध्यान अवस्था में बैठे रहे। और फिर मेरे दोस्त अनुज ने कहा, अरे मैं तो कहता हूँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, चल यहाँ से चलते हैं, ये बाबा कुछ नहीं बताने वाला, चल यहाँ से, ये पूरा गांव पागल है और ये बाबा भी पागल है। और फिर मैंने कहा, अबे चुप, पागल है क्या, ऐसे नहीं बोलते, कुछ मिनट रुक, हो सकता है कि अभी जवाब दे। 10-15 मिनट हम वहीं पर खड़े रहे, लेकिन बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। और हम वापस जाने के लिए मुड़े ही थे, तभी उस बाबा ने कहा, रुक जा, तुम रास्ता नहीं भटके हो। और फिर मैं पीछे मुड़ा और मैंने उन बाबा से कहा, अरे बाबा हम मजाक नहीं कर रहे, हम रास्ता भटक गए हैं। और फिर उन बाबा ने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारे नक्शे के अनुसार तुम्हें कहाँ होना चाहिए था। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा नक्शे के अनुसार तो हमें एक कब्रिस्तान से होते हुए हमारा रास्ता जाना था, लेकिन बीच में ये गांव आ गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो कब्रिस्तान में जाना था, लेकिन ये गांव आया है, तो इसका सीधा सा मतलब तो यही है ना कि हम रास्ता भटक गए हैं। और फिर उन बाबा ने कहा, तुम सही जगह हो, भटके नहीं हो, ये गांव, ये कब्रिस्तान ही है। और फिर मैंने उन बाबा से कहा, बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ तो लोग रह रहे हैं, लोगों के इतने सारे घर हैं, ये जगह कब्रिस्तान कैसे हो सकती है बाबा। और फिर उन बाबा ने कहा, जितना मैंने कहा उतना करो, यहाँ से चले जाओ, तुम काफी अच्छे इंसान हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, बस मेरी एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए यहां से बाहर निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो जाए, समझे। और फिर मेरे दोस्त ने कहा, अरे ये बाबा तो मुझे पागल लगते, जीते जागते गांव को ये तो कब्रिस्तान बता रहे, हमें इनकी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिर से मैंने अपने दोस्त को डांटा और फिर उन बाबा ने कहा, लगता है तुमने उन लोगों के पैरों पे नजर नहीं घुमाई, इसलिए ऐसा कह रहे हो। माफ करिए बाबा जी, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। और यह कहकर मैंने अपने दोस्तों से कहा, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जैसा बाबा ने कहा है वैसे वैसे हमें करना है, समझे, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना। और फिर मैं और मेरे दोस्त सीधा सीधा सामने की ओर बढ़ने लगे, और वो जितने भी लोग थे गाँव वाले सब हमें देख कर हंस रहे थे, उनकी हंसी काफ़ी ज़्यादा भयानक और डरावनी थी। तभी मेरी नज़रें उनके पैरों की तरफ पड़ी, क्योंकि मैं ज़मीन की तरफ देखता हुआ जा रहा था। और फिर मैंने देखा कि उन सारे गांव वालों के
पैर उल्टे थे, जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई और अनुज ने मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए मुझसे कहा, अबे अबे इनके पैर तो देख, अबे इनके पैर उल्टे हैं भाई। और फिर आकाश ने भी मुझसे यही बात कही और फिर मैंने उनसे कहा, अबे मैंने देख लिया, अब समझ में आया वो बाबा जी क्या कह रहे थे, पीछे मुड़ के मत देखना अब, समझे। और तभी अचानक से वो रोने लगे, वो सारे के सारे गांव वाले रोने लगे और इतनी डरावनी आवाज़ थी उनके रोने की, हमारा कलेजा फटा जा रहा था। बस मैं और मेरे दोस्त ही जानते हैं कि उस वक्त हमने अपने आप पे काबू कैसे किया। हम सामने की ओर सीधा सीधा बढ़ ही रहे थे, तभी अचानक से हमें हमारे माता पिता की आवाज़ सुनाई दी जो कि पीछे से आ रही थी। और वो आवाज़ सुन के हम काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मेरे दोस्त आकाश ने पीछे मुड़कर देख लिया और उसके पीछे मुड़ते ही, जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उन सारे गांव वालों ने हम पर हमला कर दिया और वो एक साथ चीखते चिल्लाते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने हमें उठा लिया और उठाकर उस बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दिया और उन बाबा ने मुझसे कहा, ये तुमने क्या किया बालक, मैंने तुम्हें मना किया था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर दी, अब इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देके चुकानी पड़ेगी, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। वो सारे गांव वाले वापस इकट्ठा होने लगे और हमें देखकर हंसने लगे, जैसे पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिल गई हो। मैंने उन बाबा से कहा, गुरुजी गुरुजी हमें माफ कर दीजिए गुरुजी, हमें माफ कर दीजिए, सिर्फ एक गलती माफ़ कर दीजिए, अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। और फिर उन बाबा ने कहा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलता बालक, हमें पहले ही मौके में ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो तुम्हारे दोस्त ने किए। मेरा दोस्त चीख चीख के रोने लगा और तभी अचानक से उन गांव वालों ने एक आग जलाई और उन बाबा ने कहा, जाओ उस आग में जलकर राख हो जाओ। मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। हम बस चीखे चिल्लाए जा रहे थे और रोए जा रहे थे और तभी हमने जो देखा उसे देखकर हमारी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। हमने देखा कि वो आग खुद चलते हुए हमारे पास बढ़ रही थी और हम उससे बचने के लिए वहां से भागने लगे, लेकिन वहां के गांव वालों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया और वो हमें देखकर हंसने लगे। हम चीख रहे थे और वो हंस रहे थे। वो नज़ारा इतना भयानक था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तभी वो आग हमारे पास आ गई और उसके छूप देने से ही अचानक से हमें एक झटका लगा और हम जैसे अब होश में आए थे। हमने देखा कि हम एक शमशान घाट में थे। मैंने उठकर देखा तो मेरे पूरे बदन पर राख लगी हुई थी और मेरे दोस्त भी राख में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। मैंने आसपास देखा तो हम एक शमशान घाट में थे। वहाँ एक भी घर नहीं था, वहाँ कुछ था तो सिर्फ वही विशालकाय बरगद का पेड़ और सिर्फ राख। मैंने अपने दोस्तों को उठाया तब वो होश में आए। हम तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और हम तीनों ने एक दूसरे से कहा, क्या तुमने भी वही सब देखा। और फिर हम तीनों की शक्ल साफ साफ गवाही दे रही थी कि हाँ, हम तीनों ने वही चीज़ देखी। ये घटना
मेरी जिंदगी की सबसे भयानक और डरावनी घटना है जिसके बारे में सोचते ही रूह कांपने लगती है।